गाइस, मैं श्रीधर मुंडा, मैं फिर से ड्राइंग क्लास में आया हूँ, जो आपको हर प्रकार से हमने हेड बनाने का और फेस का हल्का सा स्केच करने के लिए मैं सिखा चुका हूँ। तो मैं आगे आज जो है व्यक्ति चित्र के लिए, यानी पोर्ट्रेट का रेखांकन यानी स्केच किस प्रकार करना है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो सर्वप्रथम आपको मैं बताना परिचय करा रहा हूँ, जिसे शिखर जो है, सिर का शिखर यहाँ से प्रारंभ करते हैं। बीच में जो हम एक लाइन बनाए हैं, आँख प्रारंभ होगा, फिर यह नाक है, मुंह है और थोड़ी का ताल। इस प्रकार से मेरा हर किसी का फेस का बनाने का ये तरीका है। तो सर्वप्रथम जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप गौर से सुने और ध्यान दें और लास्ट तक आप वीडियो को देखें, ताकि आप अच्छे से ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं। और हर एक लाइन को, ये पोर्ट्रेट बनाने के लिए हर एक लाइन को आपको सही तरीके से, सटीक और सूक्ष्मता से आपको देखना होगा, तभी आप अच्छे से किसी का फेस बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक तरीका आपको ये बता चुके हैं, जो आप देख रहे हैं ये हमने बताया है आपको, ताकि आपको हेल्प हो। तो सर्वप्रथम देखिए, हमने यहाँ से, देखिए हम जिस प्रकार कर रहे हैं आपको उसी प्रकार से करना होगा। देखिए, हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, स्केच करेंगे यहाँ से। ये सिर है, ये आपका सिर हो गया। तो ये सिर है, यहाँ आँख होता है, उसके बाद ये हल्का आपको स्केच करना है। देख सकते हैं हम हल्का स्केच कर रहे हैं। उसी तरह फिर ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए, यहाँ से जो आपका ये लाइन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ जस्ट सामने से आपको इस प्रकार से हल्का हल्का स्केच ले जाना है, नीचे की ओर ले जाना है। उसके बाद यहाँ ये 2D जो बनता है, यहाँ आपको इस प्रकार से ले लेना है। सिंह पत्थर के सामने देखें लिए हैं। उसके बाद जो है आपको इधर से यहाँ इसका जो है ले ले रहे हैं, आँख जो है यहाँ पर ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद ये आई बोल है, ये नोज के लिए आप देख सकते हैं। फिर जो है इधर का ये आँख का दूरी इधर देखते हुए आपको यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे हम। सिंपल हम बता रहे हैं, एकदम आराम से धीरे धीरे करके हम आपको बता रहे हैं। ये आई बोल लिए, फिर ये इसका जो है सीधा में ये जो है आईब्रो इस तरह से मैं लिया। उसके नोज के लिए जो है ये जो यहाँ नाक लिखे हैं, तो इसके ठीक नीचे पे आपको जो है इस प्रकार से करते हुए इस प्रकार से लिए। उसके बाद ये मुंह लिखे हैं, ठीक उसके सामने आपको इस प्रकार से हल्का निशान ले रहे हैं, इस तरह से हो गया। उसके बाद इधर से आप देख सकते हैं, ये फेस का यहाँ हो गया, भाग हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ हम इसका बाल जो हेयर है, इसको हम हल्का हल्का थोड़ा सा कर दे रहे हैं। ये इधर का भाग जो है, यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से लेते हुए एक साइड फेस हम थोड़ा हल्का बना रहे हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ से ये लेते हुए ये हम यहाँ से इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से कि देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये, तो इस प्रकार से आपको स्केच कर लेना है। जो ये हमने बताया, ये आपका पहला नंबर का हमने स्केच सिंपल किए हैं। अब दूसरा स्टेप चलते हैं। अब क्या करना है, इसको सही तरीके से, बारीकी से आपको सारे लाइन को क्लियर कर लेना होगा, जैसे हम बना रहे हैं। सारा लाइन को सही कर रहे हैं,
धीरे धीरे हम बता रहे हैं आपको। आराम से फिर इधर भी इस प्रकार से बारीकी करते जाना है आपको। देख सकते हैं हमने बारीकी से इसको हम आप रूप दे रहे हैं। उसके बाद नोच के लिए ये मौत की माउथ मुंह नीचे अब इधर से सारे लाइन को यहाँ से करते हुए मिला देंगे। इस प्रकार से ये हो गया। ये उसके बाद आपका हेयर के लिए जो आपका इस प्रकार से ले रहे हैं और बाकी के लाइन को हम अच्छे तरीके से देख करके साफ कर लेना होगा। इस प्रकार से जो है यहाँ से ये इस तरह से बारीकी से आपको ध्यान देना होगा। इस तरह से हेयर तो इस प्रकार से मैंने ये सेकेंड राउंड बना चुके हैं। आप देख सकते हैं आप थर्ड राउंड चलेंगे तो उसमें से हम सब पूरा जो है फिनिशिंग करेंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या करना है कि हर जब स्केच करते हैं जब पोर्ट्रेट बनाने के लिए जो है आपको सारे एंगल को सूक्ष्मता से मैंने डिटेल से आपको अच्छे तरह से देख लेना होगा। जब अच्छे तरह से देख लेंगे हर लाइन सही कर लिए एक्यूरेट तो आपका ड्राइंग जिसका फेस बना रहे वो सटीक आपका देखने में लगेगा। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो स्केच है हर लाइन लाइन को जिसका भी स्केच कर रहे हैं उसको सही रूप से आप स्केच किए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं किए हैं तो उसको अच्छे से चेक करके आपको आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको भी इसी प्रकार से बढ़ना होगा। अब देखिए शेडिंग करने के लिए मैंने लाइट शेडिंग करने के लिए एक पेंसिल का चुनाव चेंज कर चुके हैं। ये 6B यहाँ पे लिखा हुआ है तो 6B के लिए हल्का हल्का हम लाइट मारेंगे शेडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं हम चालू कर रहे हैं तो चालू करने से पहले ये हल्का सा जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ घिस रहे हैं ताकि ये यहाँ घिस दिए हैं तो आपको इस प्रकार से आपको पकड़ना है पेंसिल ब्रश बना रहे हैं तो आपको इस प्रकार से लेना होगा। इस प्रकार से स्केच करना होगा बड़ा बना रहे हैं। उसके बाद इधर से हम बाल के लिए इस प्रकार से सिंपल तरीके से लेंगे। तो प्रारंभ ऊपर से हम लोग शेडिंग करना हमेशा प्रारंभ करते हैं।
आपको भी उसी तरह से ऊपर से ही आपको शेडिंग करना होगा, जैसे हम कर रहे हैं। तो हम लाइट लाइट जो है स्केच कर रहे हैं, देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ फेस में भी जो है आपको इस तरह से हम शेडिंग कर रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार से शेडिंग करने की कोशिश करना होगा। इस तरह से इस प्रकार से आपको इस प्रकार से शेडिंग आपको करना होगा। ये था आपका लाइट शेडिंग किए हैं 2 नंबर में। अब हम डार्क करने के लिए ये जो पेंसिल जो लिए हैं 8B का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये डार्क ज़्यादा करता है, देख सकते हैं डार्क ज़्यादा कर रहा है। तो ये हम इससे क्या करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से हम इसमें इसी प्रकार से आपको अच्छे तरीके से आपको शेडिंग कर लेना है, बाल का एंगल देखते हुए इस प्रकार से बारीकी से पूरा आपको कर लेना है। पूरा बाल बनाने के बाद इसमें आईब्रो अच्छे तरीके से आपको यहाँ शेडिंग करना है, अच्छे तरीके से डार्क, देखिए हम डार्क कर रहे हैं इधर भी, डार्क कर रहे हैं, देख सकते हैं। इधर भी तो इस प्रकार आपको करते जाना है फिनिशिंग। अब धीरे धीरे नोज को अच्छे से आपको लेते हुए अच्छे तरीके यहाँ बारीकी से आपको बनाना है, इस प्रकार से लेते हुए अच्छे तरीके से शेडिंग करते जाना है। अब इधर जो है अच्छे तरीके से करना है, उसके बाद यहाँ से लेते हुए नीचे की ओर अच्छे से कर लेना है। इधर से लेते हुए आपको हुए अब माउथ को सही तरीके से हर एंगल को देखते हुए सूक्ष्मता से देखेंगे। इस प्रकार से करते हुए यहाँ पे गर्दन पे करेंगे डार्क, इस प्रकार से डार्क कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। सिंपल तरीके से देख सकते हैं आप।
तो इस प्रकार से हम यहाँ कर रहे हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ लेते हुए आपको अच्छे तरीके से इसको में कर देना है। इस प्रकार से फिनिशिंग करते चला जाना है, इस तरह से जो है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं कि आपने ये, हम आपको थर्ड नंबर में पूरा फिनिशिंग आपको कर लेना है। तो यानी आपको इस तरह से देखना है कि बारीकी से कोई भी चित्र अगर आप बना रहे हैं तो उसको बारीकी से, गौर से, ध्यान से देखना होगा, तभी आप अच्छे तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको लाइट, जिसे यहाँ से सूरज का प्रकाश इधर फेस से पड़ रहा है इसलिए इधर लाइट है, इधर से आपका छाया इधर पड़ा इसलिए इधर हमने डार्क किया है। तो इस प्रकार से आपको बार बार बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगा, इसलिए जो सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको नया नया टिप्स मिलता रहे और आप भी अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं। सभी को धन्यवाद, बाय।